नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बड़ा मलहरा में छोटे राजा हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। 16 मार्च की रात बड़ा मलहरा के आयुष ढाबे के समीप की गई कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह परमार उर्फ छोटे राजा की हत्या के 3 आरोपी इमरत लोधी, रामकृपाल लोधी एवं हरिश्चंद्र लोधी निवासी ग्राम पढ़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी हाकिम सिंह, मोरपाल सिंह एवं हरदीप सिंह अब भी फरार बने हुए हैं। पुलिस शेष 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दे रही है। रविवार को बड़ा मलहरा SDOP राजा राम साहू, TI राजेश बंजारे एवं इस हत्याकांड के लिए गठित टीम में शामिल कोतवाली TI अरविंद दांगी ने बड़ा मलहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। SDOP राजाराम साहू ने बताया कि उक्त आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की एक 22 सदस्यीय टीम लगातार कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। एक अन्य हत्याकांड में भी फरार था इमरत लोधी। छोटे राजा हत्याकांड में पकड़े गए इमरत लोधी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इमरत लोधी पर आरोप है कि उसने ग्राम पठिया में ही 11 मार्च 2020 को रकुआ अहरवार की हत्या कर दी थी। इस मामले में भी वह फरार था। पुलिस ने अब दोनों मामलों उसकी गिरफ्तारी कर ली है। SP सचिन शर्मा ने जानकारी दी। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। हो गया।